धुआं एकदम गजब का, एकदम स्पीड में जा रही थी ट्रेन, अचानक स्पीड कम हुआ, एकदम धुआं धुआं हो गया था। बारह 50 की ट्रेन है और मैं डेढ़ घंटे पहले आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। थंबनेल साहब समझ गए होंगे कि आज कौन सी ट्रेन की जर्नी होने वाली है। जी हाँ, शहीद एक्सप्रेस कोविड-19 स्पेशल जो जयनगर बिहार से अमृतसर पंजाब के बीच में चलती है। लेकिन मैं इस ट्रेन को बोर्ड करूँगा कहाँ से, आप बताइए। ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रहा है। जी हाँ, हाजीपुर रेलवे स्टेशन से। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ऋषि, वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। एक महीना हो चुका है, मैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन से जर्नी की थी बिहार संपर्क क्रांति का। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को। ये बैठ नहीं रहा है, ढीला हो गया है। N95 लेके यार डुप्लीकेट तो नहीं दे दिया है। दिखाया था आपको हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर जो रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, अभी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, जस वैसे का वैसा ही है। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, वहीं बैठेंगे, ट्रेन का वेट करेंगे। बाहर कभी धूप, कभी बादल, कभी लगता है कि बारिश हो जाएगा। इस तरह का नॉर्मल आपका थर्मल स्कैनिंग और प्रॉपर टिकट चेक होता है, उसके बाद आप आगे की ओर अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। बाइक के मामले में तो भाई इसको 10 out of 10 दे सकते हैं प्लेटफॉर्म को हाजीपुर के। भैया फेस मास्क निकाल देते हैं, और भीड़ है नहीं। गर्मी बहुत है, ऊपर से ये फेस मास्क। आ चुका प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बाकी आप देख सकते हो इस तरह का सर्कल आपको हर रेल प्लेटफॉर्म पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। पानी वानी केक ले सकते हैं, पानी की बोतल, बट पक्का पकाया खाना आपको नहीं मिलेगा। अनाउंसमेंट हो चुका है, ट्रेन हमारी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। जस्ट आधे घंटे पहले निकली है वैशाली एक्सप्रेस। पहले दिखा रहा था डिस्प्ले पे बिहार संपर्क क्रांति का, लेकिन अब उसके पहले हमारी आ रही है शहीद एक्सप्रेस। हेलो, तुगलकाबाद का वेब 4 लोकोमोटिव के साथ चलती है शहीद एक्सप्रेस। वेब 4 जर्नी कर रहा हूँ थर्ड एसी में, और मेरी कोच है P1। मास्क पहना है, आवाज कम आएगी तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना भाई। ये है B1, अब B1 में है मेरी 63 सामने। चलते हैं सीट पे, फिर ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर दिखाऊंगा और ट्रेन का एक छोटा सा डिटेल भी बताऊंगा कहाँ से कहाँ चलती है, और इसमें कितने कोचेस हैं एसी के, स्लीपर के, और क्या है उसका फेयर। तो चलते हैं, पहले भीड़ कम होने दीजिए कोच में। भाई साहब हेलो, 63 हाजीपुर में है तो ये चिनीवा केला यहाँ का जरूर टेस्ट करें, चीनी की तरह मीठा होता है भाई, एक बार तो टेस्ट करना बनता है। और बाकी ट्रेन हमारी यहाँ से देखिए हरी सिग्नल, हरी झंडी हो चुकी है, रवाना भी हो चुकी है। इस ट्रेन की छोटी सी जानकारी फटाफट दे देता हूँ। ट्रेन नंबर 04673 शहीद एक्सप्रेस, जो अभी कोविड-19 स्पेशल ट्रेन बन के चल रही है। ये नॉर्मली जयनगर बिहार से खुलती है, लेकिन उत्तरी बिहार में जो बाढ़ और फ्लड आया हुआ है उसके कारण से इस ट्रेन को समस्तीपुर से खोला जा रहा है। नॉर्मली ये जयनगर से सुबह 7:15 पर खुलती है, और ठीक अगले दिन रात के 11:55 पर आप होंगे अमृतसर। हाजीपुर 1653 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 40 घंटे 40 मिनट में।
और ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चलती है, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जहाँ तक एवरेज स्पीड की बात करें तो उसका एवरेज स्पीड रहता है 40 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर। कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें जनरल के 8, स्लीपर के 9, थर्ड एसी के 2, फर्स्ट जनरल का फेयर है 410, स्लीपर का 665, थर्ड एसी का 1775 और सेकंड एसी का 2575। ये फेयर मैं बात कर रहा हूँ जयनगर से अमृतसर का, सरयू यमुना कोविड-19 स्पेशल ट्रेन से ये अपना रेक भी शेयर करती है। ट्रेन हमारी धीरे धीरे सोनपुर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही है। जंक्शन, यहाँ स्टेशन कोड SEE। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 114 ट्रेनें रोजाना रुकती हैं और 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 6 टर्मिनेट सोनपुर से। चलते हैं अपनी सीट पे, सीट को करेंगे सैनिटाइज और मिलेंगे आपको छपरा। आपको मोदी हाथ टच, वहाँ वहाँ पे एक जर्नी जरूर कैरी की। और ये जर्नी मेरी होने वाली है गोरखपुर तक की, शॉर्ट जर्नी है और कोशिश कीजिए इस महामारी में छोटी छोटी जर्नी हो। एक्सप्रेस का थर्ड एसी का वॉशरूम देख लेते हैं, नीट एंड क्लीन, ऐसी है साफ सफाई। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बेसिन तो साफ है, छोटा सा कीड़ा गिरा हुआ है, उसका तो भाई मायने नहीं कैसे कीड़ा गिरा हुआ है, लेकिन बाकी तक लाइटिंग देख सकते हैं, वॉश बेसिन साफ है। ये उल्टा दिया है, ऐसे रहता है, ऐसे दिया है, इंडियन स्टाइल है। तो कोच पुरानी कोच है तो आपको वॉशरूम का पुराना दिख रहा होगा, लेकिन नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है और फ्रेशनर फ्रेशनर की हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। Thank you.
ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन, स्टेशन कोड CPR। क्या है खाने में, क्या है खाने में, खाने में क्या है? अंडा चावल सब्जी चावल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, खाने का भी व्यवस्था है छपरा में। बाकी आप देख सकते हो पानी की बोतल और ये नॉर्मल चिप्स और कुरकुरे मिलेंगे, अंडा चावल दाल चावल भी आपको मिल जाएगा खाने के लिए पका पकाया छपरा जंक्शन पे। ये देखिए अभी ये चढ़ेंगे स्लीपर क्लास में और ट्रेन हमारी आइए यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे छपरा। देखिए यहाँ भी कुछ खाने पीने का व्यवस्था यहाँ भी दिया हुआ है और बाकी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं जैसा हर प्लेटफॉर्म पे रहता है उस तरह का भीड़ नहीं है और ख़ासकर बिहार की जितनी रेलवे स्टेशन रहती हैं उसमें आपको इस तरह का खालीपन नहीं दिखेगा। एक पानी लिया भाई पानी, और मुझे भी लगी है प्यास। पानी है ना, पानी पानी है। बट ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है छपरा, प्यास लगी बहुत जोर से, पानी देख रहा हूँ हमारी कोच बहुत आगे है, पानी वाले दिखे थे खान पका पकाया खाना भी दिखा था लेकिन सब पीछे रह गए। देखो दिख गया भाई, एक दिख गया, पहले पानी दे दो, एक लस्सी दे दो। अम्बा स्थान जो आमी में है यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ख़ासकर नवरात्रा के दिन बहुत भीड़ रहता है, जो यहाँ का कह सकते हैं छपरा शहर का मेजर अट्रैक्शन है माँ अम्बा स्थान। और यहाँ पे टोटल में 130 ट्रेनें रोज़ाना रुकती हैं, 23 ओरिजिनेट होती हैं और 23 टर्मिनेट छपरा जंक्शन से। पका पकाया खाना भी आपको मिल जाएगा छपरा रेलवे स्टेशन पर। मैं दिखा नहीं पाया और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर पॉसिबल, वहाँ से पॉसिबल भी नहीं था। एक नंबर से सब बिहार संपर्क क्रांति निकली है, उसको पास दी है और बिहार संपर्क क्रांति हम लोग को पीटते हुए एक नंबर से निकल गए, तो इसलिए हमें आई ट्रेन को यहाँ पे और 10-15 मिनट और रुकना होगा। आफ्टर 25 मिनट्स क्या क्या है, पकौड़े, कच्चा चना, चलिए कच्चा चना, अंडा चावल जो मैंने बताया सब मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, पका पकाया खाना मिलना शुरू हो चुका है प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन अब छपरा जंक्शन से रवाना हो चुकी है। कौन बाय बाय छपरा, इसलिए कुछ लाया था बट अभी भूख लगी नहीं है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा था कि छपरा से निकलने के बाद कुछ खाएंगे, चले देखते हैं अगर आगे भूख लगेगी तो सिवान के बाद, सोचा सिवान के बाद खाएंगे। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है सिवान जंक्शन, टाइमिंग था 3:30, 3:32 पर आई है। तो यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे इस ट्रेन में, बट स्पीड अच्छी है, पंचुअलिटी भी, टाइम भी बोल सकते, जहाँ भी पहुँच रही है टाइम से पहुँच रही है। अरे अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं, लीजिए बच्चा कोई मार रहे हैं, अब उसी बच्चा के लिए कितना मन्नत मांगे होंगे। अरे 1 घंटा पहले आइए ट्रेन पर, ट्रेन तो मेरे पे टाइम से खुल रही है।
हमारी सिवान जंक्शन से रवाना हो चुके हैं, बता दूं यार राइट टाइम आई थी और राइट टाइम निकली है यहाँ से। लोग आ चुके हैं मैरवा। अब तो जनरल कोच में भी सीट बुक होता है, आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूँ जनरल कोच का। अब यहाँ भी सीट बुक होता है, सेकंड सीटिंग। अब इस कोच को जनरल कोच नहीं बोलिए, सेकंड सीटिंग बोलिए। यहाँ भी सीट रिजर्व होता है, आप देख सकते हैं। ये मैरवा बाजार है ये, है ना। भाई पूरा धुआं धुआं हो गया। ठीक, हमारे दो तीन कोच आगे लोकोमोटिव है और इतना गजब टाइप का धुआं निकला और ट्रेन अचानक रुक गई और फंस गया कोच है। सो सैड, गाय या भैंस का कोई हमारे लोकोमोटिव में आ गया है। वही मैं कहा कि कोई जानवर गाय या भैंस लोकोमोटिव के आगे, इसलिए मैं देखा इतना धुआं एकदम गजब का, एकदम स्पीड में जा रही थी ट्रेन, अचानक स्पीड कम हुआ एकदम धुआं धुआं हो गया था। जो लोग उधर जा रहे हैं अपने अपने कोच से उतर के, वहाँ भीड़ लगा रहे हैं, वो भी बेकार है, भीड़ क्यों लगाना। जो अपना काम कर रहे हैं काम करेंगे, वहाँ पे रेलवे के एम्प्लॉयज कुछ गए हैं, कुछ लोकल यहाँ के जो बसिंदे हैं वो भी गए हैं अपना, वो वही निकालेंगे। तो ये लोग भीड़ लगाएंगे वहाँ पे झूठ मूठ के, कैसी कोरोना का वो चल रहा है, भीड़ लगाएंगे वहाँ पे। मुझे जानवर फंस गया। मैं सोचा एक बार मैं भी आपके दिखाऊं उधर जाके, लेकिन बहुत भीड़ हो गया था और मुझे खुद यार बहुत अजीब टाइप का फील होता है, वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, दुख होता है। और पीछे थोड़ा ट्रेन बैक हुई है और जहाँ तक लग रहा है भैंस है, चाहे भैंस है कोई भी रहे यार, किसी भी जानवर कटना अच्छा नहीं लगता। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है भटनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, स्टेशन कोड BTT। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 68 ट्रेन का रोज़ाना हॉल्ट है, 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 6 टर्मिनेट भटनी जंक्शन से। और मैंने कहा था कि मैं सिवान कि छपरा से निकलने के बाद भूख लगेगा तो खाना खाऊंगा, भूख तो लगा था, बट आपने दिखा रास्ते में जो भैंस जो कट गया था उसके बाद मेरा दिल कुछ अजीब टाइप का किया, इसलिए भूख और ही ख़त्म हो गया। तो कुछ भी कर लिया।
कटनी जंक्शन के बाद मैंने सोचा था आपको देवरिया सदर में उतरेंगे, आप लोग से बात करेंगे, लेकिन गजब के एक हल्की सी झपकी में और ट्रेन ने गजब की रफ्तार पकड़ी। जब नींद टूटा तो मैंने देखा कि इतनी रफ्तार से चल रही थी और कुछ पल में ही आ गया गोरखपुर छावनी, और ट्रेन कह सकता आधे घंटे बिफोर है और फाइनली ट्रेन हमारी गोरखपुर छावनी से रवाना हो चुकी है। हमारे सामने लगी हुई है गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन। ऊपर देखो चिड़ियों की चहचहाहट, इंसानों का आवाज गुम हो चुका है। और हमारे यहाँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और ठीक 4 पे लगी हुई है गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन। टाइम देख रहे हैं 6:55 और ट्रेन की टाइमिंग थी यहाँ पे 6:55 और मेरी जर्नी भी थी गोरखपुर तक। जैसा मैंने कम्युनिटी टाइम में बताया था कि मेरी ये 14 दिन का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और ये सभी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे देता रहूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन नहीं किए तो सामने लिंक आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, टोटल अपडेट मैं देते रहूँगा जर्नी का। और हाँ, अगर आप ये वीडियो हो सकता है आप जब देख रहे हो तो मैं ट्रेन में हूँगा गोरखपुर जंक्शन से उस साइड से देखिए जो मैं लेफ्ट साइड में है, उधर से एग्जिट एंट्रेंस एग्जिट बंद है, जो उसका मेन एंट्रेंस है उधर से ही है एग्जिट और एंट्री। जहाँ तक ट्रेन की साफ सफाई की बात करें तो वॉशरूम भी दिखाया था, कोच पुरानी थी लेकिन नीट एंड क्लीन था, और बाकी तो आप समझ रहे हो पेंट्री कार का तो बात ही नहीं है। और ट्रेन भी पंचुअल बोले थे राइट टाइम 6:55 पे यहाँ पे आई है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको थर्मल स्कैनिंग होगा निकलने के पहले, नॉर्मल थर्मल स्कैनिंग होगा और आपको कोई क्वारंटाइन के लिए नहीं रख रहे, आप सीधा अपने घर जाइए, घर पे क्वारंटाइन हो जाइए। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। होप आपने छोटी सी जर्नी इंजॉय किया होगा हाजीपुर से गोरखपुर का। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पर, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।